कितना ज़रूरी था और कितना अहम होगा और कितना फ़ायदेमंद। जहाँ तक रांची स्टेशन की बात है, ये स्टेट कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है और अब तो ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो गया। पहले भी रेलवे मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से तत्परता से हम लोग रहते थे कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और जो अभी जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे एक एम्बुलेंस रखा जा रहा है CSR IOCL के साथ, तो एक फर्दर एडिशन हो जाएगा और डेफिनेटली जो पैसेंजर्स हैं आने वाले हैं एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस, और चूँकि 24 घंटे यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहेगी तो उसकी उपलब्धता जो है वो डेफिनेटली हमारे को 24 घंटे रहेगी, तो डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत अच्छा हम लोगों को मदद रहेगा और जो पैसेंजर्स आ रहे हैं जो पेशेंट्स उसमें हैं उनके लिए डेफिनेटली एक तुरंत ही ये किया जाएगा। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, जैसे जैसे रांची रेलवे स्टेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, तो डेफिनेटली उसमें एक बहुत बड़ा ये एडिशन रहेगा कि आने वाले पेशेंट्स को उसमें बहुत हेल्प होगी। सर, इसकी देख रेख किसके जिम्मे होगी खासकर? तो फिलहाल जो अभी जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है वो यहाँ पर जो जिला प्रशासन की तरफ से जो सिविल सर्जन ऑफिस है वो कम्प्लीटली वो उसकी देखभाल करेंगे, और जो एग्जीक्यूशन का काम रहेगा जो इस्तेमाल का काम रहेगा वो हमारे स्टेशन जो मैनेजर होते हैं रांची रेलवे स्टेशन के, उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा और जो पेशेंट्स यहाँ आते हैं उनके इस्तेमाल के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल। ठीक, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।